हेलो स्टूडेंट्स, हम यहाँ पर अब स्टार्ट कर रहे हैं विज्ञापन एवं विक्रय प्रबंधन की यूनिट 4, जिसमें जो है हमें पढ़ना है पहला टॉपिक व्यक्तिगत विक्रय क्या होता है, पर्सनल सेलिंग क्या होती है। तो नाम से स्पष्ट है व्यक्तिगत विक्रय, जब विक्रय व्यक्तिगत रूप से किया जाए, इसका अर्थ होता है कि व्यक्तिगत विक्रय में विक्रेता और उपभोक्ता का प्रत्यक्ष संबंध होता है। इसके अंतर्गत विक्रेता उपभोक्ता के सामने अपने प्रोडक्ट के बारे में सारी चीजें बताता है और अपने विचारों से अवगत कराता है, और उपभोक्ता भी उन विचारों को सुनकर समझकर यदि उसे वस्तु पसंद आती है तो वह उसी समय वस्तु को खरीद लेता है। तो यह होता है व्यक्तिगत विक्रय, जहां पर क्रेता मतलब उपभोक्ता और बेचने वाला विक्रेता दोनों आमने सामने खड़े होते हैं और विक्रेता प्रोडक्ट के बारे में सारे क्वालिटीज, कौन कौन से गुण हैं, कितने में अवेलेबल है वह बताता है, और उपभोक्ता की को माल को बेचने की का प्रयास करता है और बहुत बार यह सफल भी हो जाता है। जनरली हमारे घरों में जो सेल्समैन आते हैं, जो वह क्या कहलाएगा, व्यक्तिगत विक्रय का ही प्रकार है। जो सेल्समैन आते हैं, जो हमें उनके प्रोडक्ट के बारे में बताते हैं, समझाते हैं, और यदि हमें समझ में आता है तो हम उस प्रोडक्ट को खरीद भी लेते हैं। तो यह विज्ञापन से थोड़ा डिफरेंट है, इसके अंतर्गत प्रत्यक्ष रूप से वस्तु के बारे में जानकारी दी जाती है। तो ये होता है व्यक्तिगत विक्रय। अभी हमें इसकी विशेषताएं देखें, हमने इसका मीनिंग समझा। तो पहला है प्रत्यक्ष संबंध, डायरेक्ट फेस टू फेस, इसमें क्रेता और विक्रेता या विक्रेता और उपभोक्ता का प्रत्यक्ष संबंध होता है। दोनों एक ही जगह पर एक ही समय में मौजूद होते हैं, उपस्थित होते हैं। फिर व्यक्तिगत विक्रय, इसके अंतर्गत व्यक्तिगत रूप से विक्रय किया जाता है। मौखिक वर्णन, यहाँ जो है कोई विज्ञापन, कोई पंपलेट नहीं दिया जाता है, यहाँ पर जो भी प्रोडक्ट सेल्समैन बेचने आया है, विक्रेता बेचने आया है, वह उस वस्तु के बारे में, उस प्रोडक्ट के बारे में खुद से पूरा एक्सप्लेनेशन देता है। फिर प्रभावशीलता, व्यक्तिगत रूप से उस वस्तु की जब गुण पता लगते हैं तो उसकी प्रभावशीलता, इफेक्टिवनेस ज्यादा होती है। फिर ग्राहक प्रधान दृष्टिकोण, ये जो है कस्टमर ओरिएंटेड है, यह जो व्यक्तिगत विक्रय है इसमें कस्टमर की भावनाओं को, उसकी इच्छाओं को, वह उस वस्तु को पसंद करना है, उसके फेशियल एक्सप्रेशन से चीजें समझ में आती है। तो ये जो अवधारणा है व्यक्तिगत विक्रय, वह ग्राहक प्रधान है, मतलब कस्टमर ओरिएंटेड है। फिर सृजनात्मक कला, जितना ज्यादा अच्छा सेल्समैन होगा, विक्रेता होगा, उसकी क्रिएटिविटी बहुत अच्छी होगी, वह जितनी जल्दी कस्टमर को समझ जाएगा उतना ही जो है कंपनी का गुड्स ज्यादा से ज्यादा बिकेगा। तो इसीलिए यह क्रिएटिव आर्ट है। विज्ञापन से भिन्न है, विज्ञापन में उपभोक्ता को वस्तु को खरीदने के लिए प्रेरित किया जाता है, और व्यक्तिगत विक्रय में वस्तु को सामने रहकर बेचा जाता है और बहुत सी कंडीशन में वस्तु का विक्रय हो जाता है। कार्य, क्या कार्य करता है व्यक्तिगत विक्रय करने वाला, या हम कहें कि सेल्समैन जो रहता है वो क्या कार्य करता है, माल को बेचता है बहुत आसानी से, ग्राहकों की सेवा करना, वह माल को बेचने के साथ साथ ग्राहक यदि कोई माल में टूट फूट है, खराब है, जो क्वालिटीज है उसके बारे में पूरी जानकारी देता है, उपयोग करने का तरीका भी साथ में बताता है, तो इस तरीके से वह कस्टमर की सर्विस करता है। बिक्री का रिकॉर्ड रखना, सेल्समैन जितना भी माल दिन भर में बेचते हैं वह रिकॉर्ड रखते हैं, पूरा उसका डेटा जो है अपने पास लिखते हैं, यह उसका कार्य है। फिर प्रशासनिक कार्य, एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड, उसको अपनी रिपोर्टिंग जो है अपने ऑफिस में जाकर करनी होती है, जिस भी कंपनी के लिए कार्य कर रहा है तो वहां पर जाकर उसे रिपोर्ट सबमिट करनी होती है, और भी यदि कोई टैक्स से रिलेटेड डॉक्यूमेंटेशन या इस तरह के कुछ भी एडमिनिस्ट्रेटिव कार्य है वह भी करता है। ख्याति बढ़ाना, सेल्समैन का मुख्य उद्देश्य है जिस कंपनी के लिए वह कार्य कर रहा है उसका ज्यादा से ज्यादा गुड्स
विक्रय हो, ज्यादा से ज्यादा माल बिके और संस्था ऑर्गेनाइजेशन की रेपुटेशन में वृद्धि हो। ठीक है, अब सफलता के आवश्यक तत्व। ये जो व्यक्तिगत विक्रय है मैक्सिमम जो है डिपेंड करता है सेल्समैन पर, मतलब जो माल को बेचने वाला है व्यक्ति, तो उस सफल कब होगा, पर्सनल सेलिंग कब सक्सेस होगी, कब जो है सफलता प्राप्त करेगी, उसके कौन कौन से एलिमेंट हैं। व्यक्तिगत गुण सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि सेल्समैन जो है उसका बिहेवियर, बात करने का तरीका, किसी को समझाने का तरीका किस प्रकार का है, तो वह व्यक्तिगत गुण जो है व्यक्तिगत विक्रय में सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। वस्तु का ज्ञान, सेल्समैन जो है, विक्रेता जो है व्यक्तिगत विक्रय के अंतर्गत, उसे वस्तु का कितना ज्ञान है, यह भी एक बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर है। यदि वो बेचने आ गया है, दो ही दिन हुए, उसको प्रोडक्ट के बारे में पूरी जानकारी नहीं है, तो खुद ही जानकारी नहीं होगी तो वह कस्टमर को भी नहीं बता पाएगा। फिर संस्था का ज्ञान, उसे अपनी कंपनी के बारे में पूरी चीजें पता होनी चाहिए कि वह कंपनी कितने सालों से काम कर रही है, कौन कौन से एरिया में काम कर रही है, उसका प्रतिशत कितना है, अभी तक कितना जो है माल वो बेच चुकी है, एवरीथिंग। फिर विक्रय विधि का ज्ञान, कौन सी मेथड जो है उपयोग की जा रही है सेल्स करने के लिए, उस सब का भी, क्योंकि कस्टमर को अट्रैक्ट करना है आसान काम नहीं है, तो उसे पूरा जो है कंपनी की मार्केटिंग पॉलिसी के बारे में समझाना रहता है। फिर ग्राहकों की जानकारी, कस्टमर के माइंड को कैप्चर करना, कस्टमर किस प्रकार की वस्तु चाह रहा है और हमारे पास कौन सी प्रकार की वस्तु है, तो उस कॉम्बिनेशन को बिठाना, तो ग्राहक जो है वह उसका देखकर, उसको देखकर जज करना कि वह जो है किस प्रकार की वस्तु चाह रहा है, किस आय वर्ग का है, किस प्रकार का जो है उसका रहने का तौर तरीका है। क्रय उद्देश्य की जानकारी, जो प्रोडक्ट वो खरीदना चाह रहा है या जो आप बेचना चाह रहे हैं, तो वो क्यों खरीदेगा, जो ऑलरेडी उसके पास है और आप कोई ऐसा प्रोडक्ट बेचने चले गए तो वह क्यों खरीदेगा, तो उस उद्देश्य की जानकारी कि इसका ये उद्देश्य हम पकड़ लेते हैं कि इसको यदि हम डिफाइन करें, एक्सप्लेन करें, तो कस्टमर जरूर इस चीज को खरीदेगा। फिर स्वभाव व प्रकृति की, ग्राहक का नेचर कैसा है उसको उसी वे में समझाना रहता है। यदि कोई गुस्से वाला है तो वह सेल्समैन को बात ही नहीं करने देगा, तो हर व्यक्ति को किस तरीके से टैकल करना है, किस तरीके से समझाना है, बहुत इम्पोर्टेंट है। तो ये है स्टूडेंट व्यक्तिगत विक्रय की विशेषताएं, कार्य, सफलता के आवश्यक तत्व और लाभ और दोष। व्यक्तिगत विक्रय से क्या लाभ होते हैं, तो विक्रय बढ़ जाएगा, संस्था की रेपुटेशन बढ़ जाएगी, प्रॉफिट बढ़ जाएगा, ग्राहक जो है वह विश्वास करने लगेंगे। नुकसान क्या होते हैं, लागत ज्यादा होती है, व्यक्तिगत हर जगह व्यक्तिगत विक्रय संभव नहीं है, तो ये उसके लाभ और दोष। अब हम बात करेंगे अंतर। विज्ञापन क्या होता है ये हम पढ़ चुके हैं, व्यक्तिगत विक्रय अभी समझाया, विक्रय संवर्धन, विक्रय को बढ़ाने के लिए जो जो भी एक्टिविटी की जाती है विक्रय को बढ़ाने के लिए, यदि हम कहें कि विक्रय को बढ़ाने के लिए विज्ञापन किया जाता है, तो यह विक्रय प्रमोशन, सेल्स प्रमोशन की एक टेक्निक है, एक तरीका है। फिर सेल्स प्रमोशन का एक तरीका व्यक्तिगत विक्रय भी है। तो विक्रय संवर्धन मीन्स क्या होता है स्टूडेंट्स, विक्रय संवर्धन मीन्स होता है माल के विक्रय को बढ़ाने के लिए की जाने वाली एक्टिविटी, क्रियाएं, वह सब क्रियाएं जो विज्ञापन है, आप कोई फैसिलिटी जो है देते हैं, फ्री गिफ्ट देते हैं सैंपल में, व्यक्तिगत विक्रय करते हैं, डिस्काउंट कूपन देते हैं, ये सब क्या है, विक्रय को बढ़ाने के तरीके का, गारंटी देना, वारंटी देना, ये सब जो है विक्रय को बढ़ाने की, सेल्स प्रमोशन की टेक्निक्स है। हर कंपनी अपने हिसाब से सेल्स प्रमोशन की टेक्निक अपना सकती है। अब स्टूडेंट आपको इन दोनों में डिफरेंस आ सकता है, इन दोनों में डिफरेंस आ सकता है, इन दोनों में डिफरेंस आ सकता है, किसी में भी आपको डिफरेंस आ सकता है। तो पहला जो डिफरेंस है वो है हमारा उद्देश्य। तो उद्देश्य, विज्ञापन का क्या उद्देश्य होता है, ग्राहक को वस्तु खरीदने के लिए प्रेरित करना। व्यक्तिगत विक्रय में क्या होता है, ग्राहक को वस्तु खरीदने के लिए प्रेरित करना तथा माल को उसी समय बेचना। और विक्रय संवर्धन में क्या होता है,
विक्रय को बढ़ाने के लिए की जाने वाली क्रिया, या इसका उद्देश्य क्या होता है, विक्रय को बढ़ाना, जितना ज्यादा से ज्यादा विक्रय हो। आवश्यकता, विज्ञापन की आवश्यकता आधुनिक युग में बहुत आवश्यक है। व्यक्तिगत विक्रय, उत्पाद की आवश्यकता के अनुसार, उत्पाद किस प्रकार का है उसकी आवश्यकता के अनुसार व्यक्तिगत विक्रय की आवश्यकता है। और विक्रय संवर्धन संस्था की आवश्यकता के आधार पर निर्धारित होती है कि विक्रय संवर्धन की टेक्निक आवश्यक है नहीं है। प्रकृति, विज्ञापन की प्रकृति नियमित होती है, दीर्घकालीन होती है, क्योंकि विज्ञापन जो है वह दिन प्रतिदिन जो है करना जरूरी होता है, और एक बार कर दिया जाता है तो उसका दीर्घकालीन इफेक्ट होता है। व्यक्तिगत विक्रय की प्रकृति जो है वह अल्पकालीन होती है और लंबे समय तक नहीं संभव होती है, मतलब अल्पकालीन होती है लेकिन नियमित नहीं होती है। विक्रय संवर्धन की क्रियाएं अनियमित होती हैं, जब ऐसा लगता है संस्था को तब जो है विक्रय संवर्धन की क्रियाएं की जाती हैं। क्षेत्र, विज्ञापन का क्षेत्र विस्तृत होता है, विज्ञापन जो है इसके लिए भी किया जाता है, तो विज्ञापन का क्षेत्र यदि इन दोनों की तुलना में हम देखें तो क्या होता है, विस्तृत होता है। व्यक्तिगत विक्रय का क्षेत्र सीमित होता है, हम यदि इसके और इसकी तुलना में देखें तो विज्ञापन का क्षेत्र क्या होता है, सीमित होता है। और विक्रय संवर्धन का यदि हम देखें तो विक्रय संवर्धन के अंतर्गत यदि हम देखें तो इन दोनों की अपेक्षा यदि हम बात करें तो व्यापक होता है, क्योंकि विक्रय संवर्धन की टेक्निक में विज्ञापन और व्यक्तिगत विक्रय दोनों इंक्लूड होते हैं, शामिल होते हैं। संपर्क, विज्ञापन में ग्राहकों से प्रत्यक्ष संपर्क नहीं होता है। विज्ञापन चाहे हम न्यूज़पेपर में करें या टीवी में करें तो इसमें विज्ञापन में ग्राहकों से संबंध जो है वह प्रत्यक्ष नहीं होता है। व्यक्तिगत विक्रय में ग्राहकों से संपर्क प्रत्यक्ष रूप से होता है, व्यक्तिगत रूप से होता है। विक्रय संवर्धन में ग्राहकों से संपर्क व्यक्तिगत रूप से नहीं होता है, अप्रत्यक्ष रूप से होता है। फिर माल का विक्रय, विज्ञापन में माल का विक्रय नहीं होता है, इसके अंतर्गत माल को खरीदने के लिए ग्राहक को प्रेरित किया जाता है। यदि हम व्यक्तिगत विक्रय की बात करें तो इसमें माल का विक्रय हो सकता है या किया जाता है, करने का प्रयास किया जाता है। और विक्रय संवर्धन में हम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, विक्रय संवर्धन संबंधित क्रियाएं माल को विक्रय करने से संबंधित है, लेकिन इसमें माल का विक्रय नहीं किया जाता है। माध्यम, विज्ञापन को प्रसारित करने के लिए बहुत से माध्यम है, प्रत्यक्ष रूप से कर सकते हैं, सॉरी समाचार पत्र में कर सकते हैं, हमने इसके माध्यम पढ़े हुए हैं, तो बहुत सारे माध्यम है। व्यक्तिगत विक्रय का जो है एक ही माध्यम है कि व्यक्तिगत रूप से माल को बेचना। विक्रय संवर्धन के बहुत सारे तरीके हैं जो भी हम पढ़ेंगे, कि विज्ञापन कर सकते हैं हम, उपहार दे सकते हैं हम, डिस्काउंट कूपन दे सकते हैं, तो विक्रय बढ़ाने के लिए हम बहुत से तरीके अपना सकते हैं। संबंध, इसमें ग्राहकों से प्रत्यक्ष संबंध होता है, विज्ञापन में ग्राहकों से अप्रत्यक्ष संबंध होता है, और इसमें प्रत्यक्ष संबंध होता है, इसमें अप्रत्यक्ष संबंध होता है। अनिवार्यता, यदि हम बात करें तो आधुनिक युग में विज्ञापन अनिवार्य है, छोटी संस्था हो या बड़ी संस्था हो, ग्राहक को उसके बारे में, वस्तु के बारे में जानने की आवश्यकता, अनिवार्यता है। व्यक्तिगत विक्रय, उत्पाद की आवश्यकता के अनुसार व्यक्तिगत विक्रय आवश्यक या अनावश्यक हो सकता है। और विक्रय संवर्धन, प्रतिस्पर्धा कॉम्पिटिशन के इस युग में विक्रय संवर्धन की टेक्निक अपनाना बहुत आवश्यक है। ठीक है, अवधि, यह जो विज्ञापन है इसकी अवधि, बनाने की अवधि की बात करें तो अल्पकालीन होती है, लेकिन प्रभाव की या चलने की अवधि जो है वो दीर्घकालीन होती है। व्यक्तिगत विक्रय, एक बार माल बेच दिया आपने तो बहुत ही अल्पकालीन होती है। और विक्रय संवर्धन जो है, जब से आपकी कंपनी खुली है और जब से माल बेचना शुरू किया है तब से लेकर जब तक कंपनी वर्क कर रही है तब तक चलती रहेगी, तो दीर्घकालीन होती है। तो स्टूडेंट्स, यदि आपको इन दोनों में से किसी में भी डिफरेंस आए तो किस तरीके से एक्सप्लेन इसको कर सकते हैं। हम ये पढ़ चुके हैं कि विक्रय संवर्धन क्या होता है। तो विक्रय संवर्धन क्या होता है,
विक्रय को बढ़ाने के लिए जो जो भी एक्टिविटी की जाती है, क्रियाएं की जाती हैं, वही सभी विक्रय संवर्धन कहलाती हैं। अब यदि आपको इसके टेक्निक्स आती हैं कि कौन कौन सी विधियां हैं जिससे विक्रय बढ़ाया जाता है, कौन कौन से मेथड्स हैं, तो आपको इन सबको डिटेल में लिखना है। विज्ञापन क्या होता है हम पढ़ चुके हैं। प्रचार प्रसार करना, प्रचार प्रसार करना तो हमने विज्ञापन के माध्यम पढ़े थे, तो कितने तरीकों से हम विज्ञापन कर सकते हैं, प्रचार प्रसार कर सकते हैं। व्यक्तिगत विक्रय हमने अभी जस्ट पढ़ा। जनसंपर्क कर सकते हैं लोगों से, पर्सनली यदि स्थानीय स्तर की बात है तो विक्रय बढ़ाने के लिए हम जनसंपर्क कर सकते हैं, लोगों से व्यक्तिगत रूप से मिलकर अपनी वस्तु के बारे में जो है डिटेलिंग बता सकते हैं। फिर ब्रांडिंग एंड पैकेजिंग, ब्रांडिंग जो है, ब्रांड नेम से चीजें जो है वर्तमान समय में बहुत ज्यादा उपयोग की जाती है और खरीदी जाती है, तो उसकी ब्रांड नेम क्रिएट कर दी जाए और पैकेजिंग जो है वह इस प्रकार से कर दी जाए कि कस्टमर सिर्फ ब्रांड नेम से ही उस वस्तु को खरीदे। तो यह सब जो है विक्रय संवर्धन की टेक्निक्स है। फिर हम बात करेंगे विक्रय प्रक्रिया। ये कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो हम प्रैक्टिकल लाइफ में हर रोज यूज करते हैं, प्रयोग करते हैं, लेकिन अब हमें इनके पॉइंट्स कैसे लिखना है और किस तरीके से आंसर करना है वो हम यहाँ पर समझ रहे हैं। जैसे विक्रय प्रक्रिया, आप जो है शॉप पे कपड़े खरीदने गए तो पूरी सेल्स प्रोसेस, या फिर सेल्समैन आपकी घर पर आया और उसने जो है जो भी प्रोडक्ट दिखाया उसको आपने खरीद लिया, तो यहां माना जाएगा कि सेल्समैन के द्वारा जो है विक्रय प्रक्रिया पूरी हो गई। तो उसी प्रोसेस को आपको लिखना है कि किस तरीके से सेल्स की प्रोसेस पूरी होती है। अब पॉइंट बनाना है तो सबसे पहले जो है, यदि एक सेल्समैन है, एजेंट है, उसको माल को बेचना है, तो सबसे पहले वो क्या करेगा, संभावित ग्राहक की खोज करेगा। पहले लिस्ट बनाएगा कि उसे आज की डेट में कौन कौन से कस्टमर के यहाँ जाना है या संपर्क करना है। वह सभी जो है ग्राहकों की खोज कर लेगा, लिस्टिंग कर लेगा। उसके बाद ग्राहकों से पूर्व संपर्क करना। यदि आपका आइटम जो वस्तु है वह इस प्रकार की है कि उसके लिए पहले कस्टमर का टाइम चाहिए, ग्राहक का समय चाहिए, तो फिर जो है उस हिसाब से बात करके पहले उनसे संपर्क कर लीजिए और उनसे समय ले लीजिए, क्योंकि यदि वह समय देगा तो अच्छे से बातचीत होगी, और यदि जो है बिना समय लिए पहुंच जाएंगे तो हो सकता है कि व्यस्तता के कारण जो है आपका उद्देश्य पूरा ना हो पाए। फिर ग्राहक से भेंट पूर्व, अब कस्टमर से मिलने जा रहे हैं आप, तो पूरी तैयारी जो है अपनी करनी होगी, सभी जो है प्रोडक्ट अपने पास रख लीजिए, उससे रिलेटेड अथॉरिटी लेटर, अधिकृत पत्र, कंपनी के संबंध में जो भी अधिकृत पत्र आपको मिला हुआ है वह रख लीजिए। और कस्टमर को यदि कोई डेमोंस्ट्रेशन देना है, जैसे मशीनें हैं कुछ है, तो उस हिसाब से आप तैयारी कर लीजिए। फिर प्रस्तुतिकरण, कस्टमर के यहाँ आप जाकर फिर उसका पूरा पूरी वस्तु के बारे में, उस प्रोडक्ट के बारे में पूरी डिटेलिंग दीजिए कि यह प्रोडक्ट ऐसा है, यहाँ बनता है, इसके ये फायदे हैं, इसको इस कस्टमर ने खरीदा है, अभी जस्ट मैं यहाँ बेच कर आ रहा हूँ, या इतने लोग जो है इसको खरीद चुके हैं, आप इसे लेंगे तो आपको यह फायदा हो, इस प्रकार से पूरी चीजें जो है आपको बतानी है। फिर प्रदर्शन करना, यदि आपका वस्तु जो है मतलब जो भी वस्तु आपके प्रोडक्ट है उसको शो करना, दिखाना, और कस्टमर के उसके साथ ही जो है प्रस्तुतिकरण और प्रदर्शन एक साथ चलेगा आपका। फिर है आपत्तियों का, कस्टमर की तरफ से कोई आपत्ति आ रही है कि यह तो ना बहुत कमजोर नाजुक दिख रहा है, टूट तो नहीं जाएगा, इसकी गारंटी कितने साल की है, इसकी वारंटी कितने साल की है, इसका कोई पुर्जा जो है, कोई टूल जो है टूट जाता है तो इसकी रिपेयरिंग का क्या व्यवस्था रहेगी, और यदि खराब निकलता है तो क्या करना है, पेमेंट कैसे करना है, इस प्रकार के बहुत सारे सवाल कस्टमर के द्वारा पूछे जाते हैं। तो उन सभी आपत्तियों का निवारण जो है आपको करना है और कस्टमर का विश्वास जीतेंगे, और उसके बाद जो है विक्रय, आप प्रोडक्ट उन्हें यदि समझ में आ जाता है, कस्टमर का विश्वास उत्पन्न हो जाता है, तो कस्टमर सेल्समैन जो है उसे वस्तु दे देता है और पेमेंट मिल जाता है, तो यहाँ पर कहा जाता है विक्रय की समाप्ति हो गई। तो इस प्रकार से विक्रय प्रक्रिया क्या होती है, एक गुड्स को बेचने से लेकर
बेचने से पहले की प्लानिंग से लेकर वस्तु को ग्राहक को सौंप देने तक की पूरी प्रक्रिया जो है वो विक्रय प्रक्रिया के अंतर्गत आती है। तो इस तरीके से आप लिखेंगे। अब ग्राहक की आपत्ति, कस्टमर कहाँ कहाँ पे नाखुश हो सकता है, कस्टमर के ऑब्जेक्शंस कहाँ कहाँ आते हैं, कोई दुकानदार है उसके पास कस्टमर कितने प्रकार की शिकायतें लेकर आ सकता है, कंप्लेंट्स लेकर आ सकता है, उनके बारे में हमें बताना है। तो कस्टमर के पास तो बहुत सारी कंप्लेंट्स हो सकती हैं, ये हमने कुछ लिखी हैं। कितने नंबर का क्वेश्चन आ रहा है उस पर भी आपका आंसर डिपेंड करता है। मूल्य के संबंध में आपत्ति जनरली ली जाती है, भाई बहुत महंगा सामान है ये तो इतना महंगा लग नहीं रहा है सस्ते में। माल के संबंध में क्वालिटी अच्छी नहीं दिख रही है इसकी, इस प्रकार की समस्याएं। समय संबंध में कई बार कस्टमर इसीलिए मना कर देते हैं कि अभी हमें नहीं लेना है, या इसकी डिलीवरी जो है आप 2 महीने बाद दोगे तो तब तक तो हमारे काम का नहीं रहेगा। तो कई बार कस्टमर जो है इस चीज के कारण वस्तु को लेने से मना कर देते हैं। फिर परिचित हेतु, कई बार वस्तु जो है इसलिए भी नापसंद या मना कर दी जाती है कि मैं तो मेरे रिलेटिव के लिए ले रहा था, रिश्तेदार के लिए ले रहा था, अब उन्हें नहीं चाहिए है, उन्होंने मना कर दिया है, तो इस कारण भी जो है आपत्तियां ली जाती हैं कि उन्हें पसंद नहीं आ रही है। फिर नकली वस्तु है, कई बार इस प्रकार के ऑब्जेक्शन जनरली इलेक्ट्रॉनिक आइटम में हमें डाउट रहता है कि यह वस्तु नकली तो नहीं है, तो ऐसे ऑब्जेक्शन भी आते हैं। फिर परामर्श, बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जहां पर सलाह लेकर ली जाती है, ज्वेलरी है जैसे इसमें, तो कई बार वस्तु इसलिए भी पसंद नहीं की जाती है या विक्रय नहीं हो पाता है जहां पर यह कहा जाता है कि अभी हम घर पर सोचकर बताएंगे, परामर्श लेंगे, उसके बाद बताएंगे कि हमें यह खरीदना है या नहीं खरीदना है। फिर विचार कर बाद में, कई बार ग्राहक इस उससे भी वस्तु को नापसंद कर देते हैं, ऑब्जेक्शंस आते हैं कि हम अभी देख लिए हमने, हम घर जाकर सोचेंगे समझेंगे, हमको लगेगा तो हम आपको कल आकर बताते हैं कि हमें पसंद है या नहीं पसंद। सेवा संबंधी आपत्ति, कई बार कस्टमर जो है जो दुकान पर जो फैसिलिटी दी जा रही है, सेवाएं दी जा रही हैं अलग अलग प्रकार की, वह सेवा जो है वह उसके बारे में ऑब्जेक्शन दिया जा सकता है। साधन नहीं है, बैठने की जगह नहीं है, या पंखा नहीं चल रहा है, समथिंग, जो भी कस्टमर अलग अलग टाइप के कस्टमर होते हैं तो अलग अलग प्रकार की आपत्तियां ऑब्जेक्शंस आ सकते हैं। तो ये मैंने कुछ दिए हैं आपको पॉइंट, क्योंकि ये जनरल चीजें हैं लेकिन जब पॉइंट लिखने की बात आती है तो हम पॉइंट नहीं बना पाते हैं। तो ये अब इनका निवारण कैसे होगा, दुकानदार से आपने कंप्लेन की कि प्राइस बहुत ज्यादा है, तो दुकानदार इस चीज को जो है किस तरीके से सॉल्व करेगा वह भी एक आंसर आ सकता है कि आपत्तियों का निवारण किस प्रकार से किया जाता है। तो प्रश्नोत्तर से समझा के और फिर प्रपत्र दिखाकर, डॉक्यूमेंट दिखाकर कि नहीं भाई देखो हमने इतने में खरीदी है, फिर उनके जो है जो जिज्ञासाएं हैं, जो समस्याएं हैं उसके बारे में समाधान करके, नम्रता से बात करके, सेटिस्फेक्शन देकर, तो इस तरीके से आपत्तियों का निवारण किया जाता है। फिर सफल विक्रय के आधारभूत तत्व, बेसिक एलिमेंट ऑफ सक्सेसफुल सेल्स, मतलब विक्रय अच्छा विक्रय करना है कि माल बिक ही जाए, उसमें कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं, तो कैसा होना चाहिए, जो भी प्रोडक्ट है, जो भी शॉप है, जो भी वो किस टाइप की होनी चाहिए, अट्रैक्टिव होनी चाहिए, ध्यान आकर्षण वाली होनी चाहिए। जैसे आज की डेट में हम मॉल में बहुत जल्दी एंटर हो जाते हैं क्योंकि वहां पर अट्रैक्शन जो है ज्यादा होता है, तो ध्यान आकर्षित करने वाली, ग्राहक का स्वागत जो है बहुत अच्छे से होना चाहिए, बहुत अच्छे से इन द सेंस स्माइल के साथ, पॉजिटिव उसके साथ होना चाहिए। फिर आवश्यकता की पूछताछ करना, जैसे ही कस्टमर एंटर हो उससे पूछा जाए कि क्या चाहेंगे आप, किस प्रकार की वस्तु जो है आप चाहते हैं, तो इससे ग्राहक को लगता है कि हाँ अटेंशन दिया गया है। रुचि उत्पन्न करना, उसे सभी प्रकार के गुड्स दिखाए जाए वो जो चाह रहा है, और इस प्रकार से उसे जो है उसका इंटरेस्ट जागृत किया जाए कि ये वाली वस्तु जो है आपको सुटेबल है, ये कलर अच्छा लग रहा है, आप ये खरीद लीजिए, मार्केट में डिमांड ये चल रही है। फिर विश्वास जमाना, उसे यह भी बताया जाए साथ में कि अभी अभी यहाँ से ये खरीद कर ले गए हैं, बहुत अच्छी क्वालिटी है, हम घर में भी यूज कर रहे हैं, तो जो दुकानदार जनरली यूज करते हैं। फिर खरीदने के लिए तत्पर करना, तो अपनी बातों से, अपने प्रेजेंटेशन से, प्रस्तुतिकरण से, इस प्रकार से जो है ग्राहक को प्रेरित कर देना कि वह खरीदने को तत्पर हो जाए। विक्रय पूर्ण करना, हमेशा कोशिश करना कि विक्रय जो है, जो कस्टमर आया है वह अपना सामान लेकर ही जाए, कंप्लीट करना।
ये है आपके सफल विक्रय के मेन एलिमेंट्स। देन फिर विक्रय वार्तालाप के सिद्धांत, ऐसे हम पढ़ रहे हैं तो विक्रय वार्तालाप मतलब कस्टमर और जो शॉपकीपर है, दुकानदार है और ग्राहक के बीच में जो वार्तालाप होती है, टॉक होती है वस्तु को लेकर, उसके क्या क्या सिद्धांत है। तो सिद्धांत मीन्स नथिंग, कैसा होना चाहिए वार्तालाप, कैसा होना चाहिए। तो इसमें स्टूडेंट्स आप सभी के अनुभव रहे होंगे, किसी दुकान पे आप बहुत बार जाते हो क्योंकि वहां के जो शॉपकीपर है उसका व्यवहार बहुत अच्छा है, वो बहुत अच्छे से बातचीत करता है। तो यही हमारे इस क्वेश्चन का आंसर है कि शब्दों का उपयोग जो है बहुत अच्छा होना चाहिए, वह हम जो सवाल कर रहे हैं या हम जो चीज चाह रहे हैं वो तुरंत हमें अवेलेबल करवाए, दिखाए, नम्रतापूर्वक बात करता हो, वस्तु को प्रस्तुत करने का उसका तरीका बहुत अच्छा हो, वो हमारी चॉइस की हम जो चाह रहे हैं उसी टाइप की वस्तुएं दिखाता हो, फिर व्यर्थ वाद विवाद ना करे किसी भी प्रकार का। जैसे हमने 10 आइटम दिखाने को बोल दिया है तो उसमें उसके चेहरे पे कोई शिकन नहीं होना चाहिए, इस प्रकार का व्यर्थ का वाद विवाद ना करे। प्रतिक्रिया, दुकानदार को ग्राहक का चेहरा देखकर समझ में आना चाहिए कि उसे वो जो वस्तु दिखा रहा है वो पसंद आ रही है या नहीं आ रही है। तो इस प्रकार से दोनों का एक दूसरे का फीडबैक जो है उसको जज करना बहुत अच्छे से आना चाहिए। फिर धनात्मक मतलब कस्टमर को इस प्रकार से सुझाव हम दे सकते हैं कि मार्केट में अभी ये रंग चल रहा है, आप ये लीजिए, आपके ऊपर यह अच्छा लगेगा, पसंद आएगा आप जिसके लिए लेकर जा रहे हैं, साइज भी एकदम परफेक्ट आ रहा है। तो इस तरीके की पॉजिटिव बातें बोलकर जो है हम एक विक्रय वार्तालाप को बहुत अच्छे उसमें कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये है स्टूडेंट्स आपकी यूनिट 4 के जो टॉपिक्स हैं, जो हैं हमारे अनुभव के, लेकिन जब पॉइंट्स लिखना है तो हमें जो है इस तरीके से पॉइंट लिखकर आंसर को एक्सप्लेन करना है। यहां पर खत्म होती है हमारी यूनिट 4।